यूपी निकाय चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में गोंडा में कैसे नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, इसका जायजा लिया जेएमडी न्यूज के संवाददाता रितेश गुप्ता ने। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनाव की रणभेरी बजते ही प्रशासन से लेकर सभी संभावित प्रत्याशियों ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दी है। गोंडा जिले में प्रथम चरण यानी 4 मई को मतदान होना है। ऐसे में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस समय मौजूद है कर्नलगंज तहसील में, यहाँ पर 1 नगर पालिका व 2 नगर पंचायतों के लिए नामांकन स्थल बनाया गया है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कर्नलगंज ही नहीं आसपास के कई थानों की फोर्स यहाँ लगाई गई है। वहीं गेट पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं कोरोना के दृष्टिगत भी प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश दे रखा है। आज बात करें तो आज अभी तक किसी प्रत्याशी ने पर्चा नहीं खरीदा है, ना ही किसी भाजपा सपा बसपा कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा की है, किंतु प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। माना जा रहा है कल से परसों के बीच में प्रत्याशी यहां पहुंचेंगे और अपना नामांकन करेंगे। जेएमडी न्यूज के लिए गोंडा से रितेश गुप्ता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।